हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12th केमिस्ट्री का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों यह पार्ट टू वीडियो जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों आप लोगों का जो न्यू पैटर्न आप लोगों का 70 ऑब्जेक्टिव है उन्हीं के अकॉर्डिंग दोस्तों आज पार्ट टू वीडियो जानने वाले हैं। यानी कि दोस्तों केमिस्ट्री का मैंने पार्ट वन वीडियो ही मैंने आप लोगों को बतला दिया है दोस्तों 35 ऑब्जेक्टिव के तहत, ठीक है ना। अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो दोस्तों तो कोई निश्चित नहीं है 12 से 13 ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन है जो पहले से एग्जाम में पूछे गए, जो कि मुझे लगता है कि ये एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहो और यहाँ पर अपने दोस्तों जो होता है यहाँ पर आप लोग पढ़ाई को निखार सकते हो, क्योंकि आप लोग को वही क्वेश्चन को कवर किया गया जो दोस्तों एग्जाम के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इतना बढ़िया है दोस्तों कि आप लोगों का एकदम दिन का शुरुआत ही बढ़िया तरीके से हुआ गया। चलिए कहता है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, एकदम बहुत इजी और दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन, तो बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए मुझे आशा था दोस्तों सब लोगों का सही उत्तर आएगा। देखिए हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है दोस्तों सूर्य होता है, ठीक है ना। मोनाजाइट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या मिल रहा है मेरे को, सूर्य मिल रहा है। तो इससे यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी कि हीलियम का मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है दोस्तों। देखिए प्रबल अम्ल की बात कर रहा है, प्रबल अम्ल कौन सा ये आप लोगों को यहाँ पर डिसाइड करना है। बताइए BF3 होगा कि दोस्तों BCl3 होगा कि BR3 होगा दोस्तों कि BL3 होगा। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, इसका नहीं ऑप्शन होगा नहीं बी होगा नहीं ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। यानी कि दोस्तों सबसे प्रबल जो होता है ना, सबसे प्रबल आम जो होता है ना वो BL3 होता है। आप लोग ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में मुझे लगता है ये पहले ये आप लोग को 2022 एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना सबसे प्रबल जो आम होता है BL3 होता है। आप लोग चैनल पर पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को 500 नंबर की तैयारी कराएंगे। आप लोगों को मैथ का एकदम बेहतरीन प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहां से आप लोग अध्ययन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है। देखिए बंधन कोण की बात करें सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है, किसका सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए, अमोनिया ऑप्शन में H2S ऑप्शन है, BF3 ऑप्शन डी में दिया CH4। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे लाल क्या देंगे इसका सही उत्तर। चलिए इसका मैं आप लोगों के आंसर का वेट करूंगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। देखिए जैसा कि इसका मैंने आंसर बताया BL3, तो मैं कभी भी कोई भी वीडियो में आप लोग को ये इसका आंसर कमेंट करने के बोल सकता हूँ दोस्तों। इसलिए जितना क्वेश्चन बताया था उससे आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका आंसर दोस्तों आप लोग बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्यूशन कराया, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए ये आप लोग का दोस्तों जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कहता है, अनुचुंबका तो प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। देखिए H2O तो होगा ना दोस्तों, प्रति चुंबा के पदार्थ करता है। O2 को दोस्तों भी नहीं होगा, NaCl दोस्तों भी नहीं होगा, ना ही C6H6 होगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएंगे इसका सही उत्तर। चलिए बहुत ही अच्छा, देखे दोस्तों जो यानी चुंबा का प्रति चुंबा का तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। O2 जो होता है दोस्तों अनुचुंबा का तो प्रदर्शित करता है। आप लोग को ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना ये फिजिक्स में भी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। H2O जो होता है प्रति चुंबा की होता है, ये आप लोग को फिजिक्स में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अनुचुंबा का तो जो मेरे प्यारे दोस्तों प्रदर्शित करता है वो O2 प्रदर्शित करता है। क्या करता है, O2, इसीलिए पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनो दोस्तों, एकदम बहुत ही आप लोग को मजा आने वाला। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु आम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस से मुक्त नहीं करता। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है दोस्तों आम्ल से अभिक्रिया करके, ठीक है ना, जब आम्ल से रिएक्शन करेगा दोस्तों तो हाइड्रोजन गैस से मुक्त ही नहीं करेगा, वो कौन सी गैस है। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से इसका जो सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में दे सकते हो। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा, देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा धातु आम्ल से अभिक्रिया का
हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। हाइड्रोजन गैस दोस्तों मुक्त नहीं करता। मैं इसे दोस्तों कॉपर के नाले करके चलूंगा दोस्तों, फिर हमको लेकर चलूंगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को लेकर चलूंगा दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग को कहीं पर बुक में कोई और आंसर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का आता है दोस्तों कि जब ए पी दोस्तों ओ एच अल्कोहल का दोस्तों थ्राइसोल में एन एस सी एल का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। देखिए एन एस सी एल का जब इसमें दोस्तों घोल मिला देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए आप लोगों को दोस्तों 7 ऑब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों, उसमें से काफी क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से देखने को मिले। आप लोग क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे 2009 तक के दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री का करा दिया, मैं जल्दी आप लोगों को 10, 11, 12, 13 ऐसे करके आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन ही करा दूंगा। चलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेंगे दोस्तों, ए भी दोस्तों जो हो जाएगा अल्कोहल का थ्राइस अवक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है जब दोस्तों एन एस सी एल मिलाएंगे तो क्या अवक्षेपित हो जाएगा। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से आप लोग को 3 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे। डी आर ट्वेल्व का आकार होता है, देखिए डी आर ट्वेल्व का आकार दोस्तों कैसा होता है आप लोग बताइए तो क्या देंगे इसका सही उत्तर। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, डी आर ट्वेल्व का जो आकार होता है डबल डम्बल होता है, ठीक है ना। पे का दोस्तों कैसा होता है, एस का कैसे, सब लोग आप लोगों को मैंने बता दिया। डी आर्टिकल का जो आकार होता है दोस्तों डबल डम्बल होता है। क्या होता है डबल डम्बल होता है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना क्या देंगे डबल डम्बल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 43 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि संक्रमण तत्व है, देखिए संक्रमण तत्व कौन है। चलिए धातु है, अधातु है, दिखन के तत्व है कि गैस है, बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, डी खंड के तत्व। चलिए दोस्तों क्या देंगे, डी खंड के संक्रमण तत्व दोस्तों ब्लॉक डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, तो डी तत्व देंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए दोस्तों 44 नंबर कह रहा है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु, देखिए हमेशा स्वतंत्र अवस्था में जो पाए जाने वाले जो धातु है दोस्तों वो कौन है, बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्यों। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, हमेशा हमेशा दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चलिए चांदी तो होगा नहीं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर सोना जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, सोना जो होता है दोस्तों क्या होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या देगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, क्या देंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर देंगे, जो कि दोस्तों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने धातु जो होता है वो सोना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का आता है मेरे प्यारे दोस्तों, H2PTCl6 में दोस्तों का IUPAC नाम पूछा, देखिए IUPAC नाम पूछा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग इसका बताइए सही उत्तर क्या देंगे। चलिए डाई हेक्सा हो जाएंगे दोस्तों, देख सकते हो डाई हेक्सा क्लोरो दोस्तों प्लेटनेटिक, देख सकते हो क्लोरो दोस्तों 6 यहाँ पर दोस्तों प्लेटनेटिक दोस्तों और दोस्तों 4 एसिड होगा, ठीक है ना। इसका आप लोग दोस्तों जो निकालेंगे ना तो 4 आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यौगिक का केंद्रीय धातु का प्रसंस्करण दोस्तों DSP2 होता है, बताइए। चलिए बहुत ज्यादा कुछ लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों क्या है NaCl4 का दोस्तों 5 जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 2 माइनस जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ऊष्मा विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, इसका तो सब लोग बता सकते हो दोस्तों, पहले भी मैं कई बार इसका आंसर कराया हूँ, बिल्कुल आशा है कि आप लोग बता सकते हो। चलिए चलिए दोस्तों ऊष्मा विद्युत का चालक कौन है, ऊष्मा और विद्युत का चालक, ऊष्मा और विद्युत का जो चालक है दोस्तों वो ग्रेफाइट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक वो ग्रेफाइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। अगर एल्केन की बात करें दोस्तों, ठीक है ना, एल्केन के तो CnH2n-2 CnH2n+2 होता है, ठीक है ना, CnH2n+2 होता है। अगर एल्केन की बात करें दोस्तों तो CnH2n हुआ और एल्काइन का प्रतिक्रिया तो CnH2n-2 उसमें हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को 3 नंबर क्लियर हो गया दोस्तों, एल्केन का पहुंचा तो CnH2n हो जाएंगे। अगर यहाँ पर एल्काइन का पहुंचेगा तो ऑप्शन नंबर सी और एल्केन का पहुंचेगा तो ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एल्केन पूछा है, क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथेन में दोस्तों सिग्मा बॉन्डों की संख्या आप लोगों को बतलाना है, बिल्कुल आप लोग बतला सकते हो दोस्तों, बतलाए इसका सही उत्तर क्या देंगे।
चलिए सारे लोग बताइए दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे वो कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए मेथेन में सिग्मा बॉन्डों की संख्या होती है, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। चार होती है, तीन होती है, दो होती है, एक होती है, बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा, CH4 यानी कि दोस्तों इसमें जो मेथेन में सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है वो कितना होती है, चार होती है दोस्तों, चार होती है। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई क्या होती है, चलिए इसका भी आप लोग बताए। देखिए आप लोग को क्वेश्चन बैंक से इन्हीं क्वेश्चन को कवर किए जाएंगे, तो आप लोग एकदम ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि 70 ऑब्जेक्ट में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चन बैंक से देखने को मिलेंगे। चलिए कार्बन कार्बन एकल बंध की जो लंबाई होती है दोस्तों कितनी होती है, 154 एस्ट्रोग्राम होती है। 154 नहीं पढ़े दोस्तों, 1.54 एस्ट्रोग्राम पढ़िए, ठीक है ना। तो सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए को कहते भी नहीं आप लोग टिक कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर सही उत्तर देंगे वो आप लोग ध्यान रखना 1.5 से आप लोग ध्यान रखना है, 1.54 एस्ट्रोग्राम जो होता है कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है, कार्बन और कार्बन की एकल बंध की लंबाई होती है दोस्तों। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए यहाँ से आप लोग को दोस्तों एग्जाम में पक्का एक या दो क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यकीन नहीं है तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लीजिए। देखिए ये दोस्तों सक्रिय मूलक है दोस्तों या अल्कोहल का, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या है, ये दोस्तों किसका है पता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। चलिए दो नंबर की कंप्लीट। चलिए ये एल्डिहाइड का किसका है, ये दोस्तों ये एल्डिहाइड का है, किसका दोस्तों, सिंगल बॉन्ड सी एच एल्डिहाइड का। ये दोस्तों जो डबल बॉन्ड सी ओ दोस्तों दिखा, ये कीटोन का है, किसका, ये कीटोन का है। तो आप लोगों से आशा है दोस्तों यहाँ पर आप लोग कितने नंबर, चार नंबर तो बिल्कुल एकदम आसानी से क्लियर कर लिए होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों अल्कोहल का पूछा, तो सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कहता है कि यौगिक कंपाउंड, यहाँ पर दोस्तों यौगिक का नाम क्या, बताइए आप लोग, सब लोग बताइए। चलिए चलिए दोस्तों देखिए इस तरह का हमें दोस्तों क्या दिया, स्ट्रक्चर दिया गया, ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान रखना, इस तरह का आप लोग स्ट्रक्चर दिया, वेरी इजी तरीके से आप लोग बता सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर सही होते हैं वो क्या देंगे। देखिए OH लग गया तो अल्कोहल हो गया बस, इसका देखिए अल्कोहल है सॉरी फिनॉल, बताइए क्या कौन सा ऑप्शन। देखिए कोई ऑप्शन में ही नहीं दोस्तों अल्बल दिया गया, सिर्फ और सिर्फ फिनॉल ऑप्शन नंबर बी में ही दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया, OH लग गया तो फिनॉल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथेनॉल इथेनॉल ये आप लोगों को एग्जाम में अक्सर आते रहेंगे क्वेश्चन, आप लोग को रटना नहीं है, आप लोग को कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। चलिए मिथेनॉल का क्या देंगे, देखिए मिथेनॉल इथेनॉल पूछेगा तो C2H5OH हो जाएंगे, लेकिन मिथेनॉल पूछा है दोस्तों कार्बन की संख्या एक होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी की तो कल्पना नहीं करो, ऑप्शन सी तो दोस्तों क्या देगा, ये तो दोस्तों फॉर्मल्डिहाइड देगा, ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं, तो मिथेन दिया गया। चलिए मिथेनॉल का पूछा था तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, CH3 मिथेन मिथाल को कहा जाता है, और दोस्तों ओ चला गया तो अल्कोहल हो गया, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका तो आप लोग सब लोग बतला सकते हैं दोस्तों, बतलाइए इसका सब लोग। देखिए इस क्वेश्चन इस टाइप से आप लोग को पक्का एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बतलाइए इसका सब होता क्या हो देंगे, देखिए इथॉक्सी इथेन क्या हो देंगे इसका सब होता है। देखिए आप लोग को ध्यान लगाना होगा, इथॉक्सी होना चाहिए, लेकिन इथॉक्सी तो होना है। देखिए काम वाला दोस्तों कार्बन कौन है, ये वाला अधिक वाला कार्बन कौन है, देखिए आप लोग को दिखला देता हूँ, काम कार्बन वाला दोस्तों ये है, अधिक कार्बन वाला ये है, आप लोग को पता होना चाहिए एक बात, काम कार्बन वाला जो होता है दोस्तों क्या होता है, अधिक कार्बन वाला ऑक्सी में आ जाता है। तो यहाँ पर इथॉक्सी तो हो गए दोस्तों, ठीक है ना, इथॉक्सी तो हो गए, लेकिन यहाँ पर मेथेन यहाँ है दोस्तों, क्या है, मेथेन है मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट में। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे, इथॉक्सी ये मेथेन है दोस्तों, ये इथॉक्सी है यानी कि एथेन हो जाएंगे। C2H5 का दोस्तों क्या पढ़ेंगे, इथॉक्सी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इथॉक्सी, इसको मेथेन पढ़ेंगे। तो इथॉक्सी मेथेन कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं गया दोस्तों, इथॉक्सी मेथेन दिया गया, सो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होना चाहिए, इथॉक्सी होना चाहिए और मेथेन होना चाहिए, इथॉक्सिन दोस्तों जो दिया गया, मेथेन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों कोई ऑप्शन, तो आप लोग बताइए। चलिए मुझे तो दिख रहा है इथॉक्सी मेथेन, चलिए आप लोग इसका कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए,
चले दोस्तों, कीटोन का चक्र ये मुलाकियां होते थे कि अभी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों, डबल बॉन्ड दोस्तों, सी डबल बॉन्ड ओ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में देख रहे, ये तो एल्डिहाइड है, ये नहीं होगा, ये तो कार्बोक्सिलिकल है, ये नहीं होगा, अल्कोहल तो होगा नहीं। नहीं, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा का हाइड्रोजन नहीं होता है भाग लेते हैं। देखिए एल्डिहाइड जिसमें अल्फा का नहीं ना होता है वो भाग लेते हैं, किसमें लेते हैं बताइए, कलेजारो रिएक्शन में कि एड्रेनल संघनन में कि पार्किंग अभिक्रिया में कि इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर है वो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, बहुत ही अच्छा। देखिए कलेजारो रिएक्शन दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी आप लोगों को चैप्टर वाइज में आप लोगों को 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा का नहीं होता है वो दोस्तों कलेजारो रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कलेजारो। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या देगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कितने केमिकल संरचना होगी दोस्तों, इसमें जो केमिकल संरचना होगी कितना दर्शा है आप लोग बताइए, सब लोग बताइए दोस्तों। देखिए आप लोग को एक और बताए दोस्तों, आंसर को याद कर लीजिए। चलिए तीन नंबर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए कैल्शियम फॉर्मेट, देखिए इसका तो एकदम सब लोग बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एकदम ये सब क्वेश्चन जो आप लोग को मुंह पर याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पहले से पूछे हुए क्वेश्चन आए, आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली पक्का पाए थे उस क्वेश्चन, इसी टाइप कराएंगे आप लोगों को क्वेश्चन बैंक से, ठीक है ना। तो बताइए चलिए कैल्शियम फॉर्मेट जो होता है दोस्तों देता है, तो फॉर्मल्डिहाइड सुने वहीं देता है, तो फॉर्मल्डिहाइड कौन सा ऑप्शन में दिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्यों देगा दोस्तों? फॉर्मल्डिहाइड देता है। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यह अभिक्रिया दोस्तों, अभिक्रिया में एक्स क्या है? देखिए यहाँ पर दोस्तों ए, यहाँ पर दोस्तों ए नो टी दिया गया दोस्तों, यहाँ पर एनिलीन दिया गया है, आप लोगों को एक्स में दोस्तों वो कौन है बताइए, बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए एसएन और दोस्तों एसीएल से दोस्तों जब अभिक्रिया होगी दोस्तों तो यहाँ पर एनिलीन प्राप्त होगा। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मिथाइल अमीन को बनाया जाता है, तो मिथाइल अमीन को जो बनाया जाता है दोस्तों कौन से अभिक्रिया द्वारा, बुर्ज रिएक्शन के, हॉफमैन रिएक्शन के, फेडल क्रॉट्स अभिक्रिया के, दोस्तों कोलबेक क्रॉट्स अभिक्रिया बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, जो अभिक्रिया जो होता है दोस्तों मिथाइल अमीन को जो अभिक्रिया जो बनाया जाता है, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता दोस्तों कि एनिलीन एवं एस्टेल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके बनाते हैं। देखिए एनिलीन और एस्टेल्डिहाइड जो प्रतिक्रिया करेंगे ना दोस्तों, एनिलीन क्या होता है आप लोग अभी ऊपर में स्ट्रक्चर में आप लोग को पढ़ाएं, एनिलीन एवं एस्टेल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके रिएक्शन करके क्या बदलाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ना कार्बन अमीन बनाता है दोस्तों, ना नाइट्रिल बेंजीन बनाता है, ना ही एमीन बनाता है दोस्तों, और इसकी के बेस बनाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एनिलीन एवं एस्टेल्डिहाइड की प्रतिक्रिया कर क्या बनाते हैं दोस्तों, एनिलीन और एस्टेल्डिहाइड की प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, चलिए बताइए एनिलीन और एस्टेल्डिहाइड। चलिए अभी हमने आप लोग को बताया दोस्तों एस्किपी वेब्स बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, C3H3 एस से बनने वाले बहुलाकों की संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो आप लोग बताए तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, बहुलाक की संख्या पूछा, ठीक है ना। तो आप लोग सॉल्व कीजिए और दोस्तों बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, इसका 6 हो जाएंगे बहुलाकों की संख्या, ठीक है ना। किसको देंगे दोस्तों, इसमें तो बहुलाकों की संख्या दोस्तों 6 हो जाएगी। चलिए ये आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 64 नंबर, तो आप लोग बता सकते हो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर देंगे वो कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक पूछा है दोस्तों, तो आप लोग को सेंटअप एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या देंगे। चलो सेलुलोज है दोस्तों बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, क्या है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए कार के टायर में प्रयुक्त होता है बताइए, कार के जो टायर में प्रयुक्त होता है दोस्तों वो कौन प्रयुक्त होता है बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्यों देंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, ब्यूना रबर जो होता है दोस्तों, ब्यूना रबर आप लोग ध्यान रखना, ब्यूना रबर जो होता है दोस्तों कार के टायर में प्रयुक्त होता है, कार के टायर में दोस्तों कौन ब्यूना रबर का उपयोग किया जाता है, आप लोग एकदम मुंह पर याद कर लीजिए, आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कुछ, और कुछ एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए विटामिन ए के, देखिए विटामिन ए के कैमिसेरेथॉन जो होता है दोस्तों, विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से अस्कार्बी होता है, विटामिन डी से रिक्टेस होता है, विटामिन के से दोस्तों नपुंसक होता है, लेकिन आप लोगों को विटामिन तक ही याद रखना। चलिए विटामिन ए से क्या देंगे, डिस्टेहिनता यानी कि रेथॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो ग्लूकोज में कार्बन कार्बन की संख्या दोस्तों कितने देखिए ग्लूकोज में मैंने आप लोग को कहीं में बताया दोस्तों ग्लूकोज में जो होता है कार्बन काइरल कार्बन की जो संख्या होती है वो 4 होती है ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए डिटॉल का उपयोग बताए दोस्तों डिटॉल का उपयोग क्या होता है वो किसमें क्या होता है आप लोग बताए इसका सब उत्तर क्या देंगे। चलिए डिटॉल का प्रयोग किया जाता है किसमें प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में दोस्तों की एंटीपायरेटिक के रूप में कि एनाल्जेसिक के रूप में कि इनमें से कोई नहीं बताया इसका आंसर होता है क्या देंगे। चलिए प्रतिरोधी दोस्तों आप लोग को एंटीसेप्टिक भी देखने को आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ध्यान रखना डिटॉल का जो उपयोग करते हैं दोस्तों प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक इसी को दोस्तों कहा जाता है एंटीसेप्टिक। डिटॉल का जो प्रयोग किया दोस्तों एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी में किया जाता है ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र पूछा है दोस्तों कपड़ा धोने के सोडा का सूत्र पूछा है आप लोग बताइए इसका आंसर होता है क्या देंगे। कपड़ा धोने के सोडा का सूत्र पूछा है ऑप्शन ए में दिया गया Na2CO3 × 10H2O ऑप्शन बी में दिया Na2CO3 × 5H2O ऑप्शन सी में दिया Na2CO3 ऑप्शन डी में दिया NaOH बताइए नाइट्रस ऑक्साइड बताइए। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है दोस्तों × 10H2O यह हमारा दोस्तों जो कपड़ा धोने का जो सोडा होता है उसमें यह प्रयुक्त होता है ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों कपड़ा धोने के सोडा के रूप में जो प्रयुक्त होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को कवर किया है कहता है कि भूजा हुआ चुना देखिए आप लोग को दो नंबर यहाँ से आप लोग को क्लियर करा देते हैं ठीक है ना। भूजा हुआ चूना का यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा भूजा हुआ चूना का यहाँ पर दोस्तों सूत्र पूछा है तो आप लोग कमेंट कीजिए मैं आप लोग को बताता हूँ इसका सही उत्तर क्या है। भूजा हुआ चूना तो आप लोग देख एक भीजा हुआ बिना भूजा हुआ चूना होता है एक भूजा हुआ चूना होता है। भूजा हुआ चूना जो होता है दोस्तों CaOH का ट्वाइस होता है ठीक है ना ये होता है भूजा हुआ चूना। अगर ना भूजा हुआ यानी कि बिना भूजा हुआ का बात करें तो ऑप्शन हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर भूजा हुआ चूना की बात करा क्या करा भूजा हुआ तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे CaOH का होल ट्वाइस हो जाएंगे। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा ठीक है ना दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ के और भी वीडियोस कई सारे आप लोग को नहीं देखे तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हो या तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर सकते हो दोस्तों। चलिए आशा आप लोग बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर पा रहे हो एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों आप लोग खूब मेहनत कीजिए एकदम खूब नंबर लाइए एकदम परसेंटेज आप लोग बढ़ा लीजिए ठीक है ना। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद वंदे मातरम।